एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें हिला नहीं सकता। क्या करना है लाइफ में ये कोई और हमें बता नहीं सकता। बस ये जज्बा दिल में जगाना है कि इस बार पेपर फोड़ के आना है। बस ये जज्बा दिल में जगाना है कि इस बार पेपर फोड़ के आना है। हाय एवरीवन, this video is specially because I was flooded with lot of messages, mails from you guys जो शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा tensed feel कर रहे हो for your class 12th board exam. So I am here to calm you down a bit and discuss last minute tips. ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही छोटा रखेंगे but make sure you watch it till the end so that you feel the power packed energy. Before I go आगे, please read this carefully. Don't let the seeds stop you from enjoying the watermelon. That means छोटी छोटी चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती है यार, लाइफ moves on. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें, हम enjoy करना छोड़ दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा है सुख दुख तो जीवन में आते और जाते हैं, सुख दुख तो जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। सो लिव दिस मोमेंट गाइज, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है ना, जब आगे लाइफ में बढ़ोगे तो एक्चुअली पीछे देख के हंसोगे, सोचोगे कि हम 12th के एग्ज़ाम से इतना घबराते थे। माना इट इज़ इम्पॉर्टेंट, माना इट इज़ पार्ट ऑफ योर CV, बट देन इट इज़ नॉट योर इंटायर लाइफ। सो वन एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू टैग यू, इज़ नॉट गोइंग टू लेबल यू। सो स्टार्ट एन्जॉइंग, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। उसके बाद सबसे पहली चीज़ बिफोर आई गेट इन टू द लास्ट मिनट टिप्स, येस, नो स्ट्रेस, पुट योर माइंड टू रेस्ट। यार आपने ये चीज़ फील की होगी, कई बच्चों ने अपने JEE मेन का भी एग्ज़ाम जनवरी में दिया होगा या NDA दिया होगा या आज तक 11 तक भी बहुत सारे पेपर्स दिए होंगे। जितना ज़्यादा यू स्टे विद काम माइंड, जितना ज़्यादा यू स्टे पॉजिटिव, उतना बेटर यू आर गोइंग टू डू इन द पेपर। इमेजिन करो आप चार दोस्त हो जिनके लेवल, जिनका प्रिपरेशन एब्सोल्युटली सेम लेवल पे है, जो सबसे कूलेस्ट रहेगा ट्रस्ट मी इज गोइंग टू स्कोर द मोस्ट। तो अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स के साथ एक्सप्लोड मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, वॉट एवर यू हैव स्टडीड गाइज, दिस इज द टाइम टू गिव इन योर बेस्ट। तो आपका अगर इस वक्त पे ना 70% भी सिलेबस हुआ है, डजेंट मैटर, यू आर गोइंग टू टेक आउट 100% आउट ऑफ इट, शुड बी योर मंत्रा राइट नाउ। ठीक है, इसके साथ लेट मी क्विकली गो टू द 12th बोर्ड्स लास्ट मिनट टिप्स, जो अभी से लेके आपको कल तक करनी है। रादर दीज आर द टिप्स जो आपने हर पेपर से पहले ज़रूर करनी है। सो टिप नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, यार मेरा इतना अभी छूटा है, तेरा उतना हो गया, नहीं मैंने तो अभी पैसेज भी नहीं किया, मैंने यार अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला नहीं याद किए, डर लग रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा, पूरा प्रिपेयर करके भी ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आता। What you need right now is no more studying and a sound sleep. सुनने में लग रहा है but then just cut it out guys. अब टाइम है कम से कम 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप आपको लेने की ज़रूरत है। When you wake up in the morning, अगर आप कुछ रिवाइज करना चाहते हो, जस्ट की 1-1.5 hour फॉर 8, वो भी अपना पहले से सामान टेक्स्ट वगैरह निकाल कर अपने सामने रख लो दैट व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग दिस इज द ओनली थिंग दैट यू वांट टू रिवाइज एंड दैट्स इट। टाइम खलास, जाओ चिलैक्स करो और अब सो जाओ। टिप नंबर 2, आइसोलेट योरसेल्फ। यार आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी से भी बात ही मत करो, फैमिली से बात करो बट इस वक्त फ्रेंड्स से बात मत करो, और बात भी पेपर को छोड़ के हर कोई बात करो। बेसिकली दिस इज़ द टाइम जब आपका माइंड ना इतना ज़्यादा क्लॉग हो चुका होता है बिकॉज एवरीबडी इज टेलिंग यू ये किया, ये पढ़ा, ऑल द बेस्ट, दिस दैट। जस्ट आइसोलेट योरसेल्फ, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। बेस्ट चीज़ है यार, जाकर कोई मूवी पसंद है तो वो जाकर देख लो थोड़ी देर, कोई सीरीज़ पसंद है जाके देख लो, म्यूज़िक सुन लो, गो फॉर अ वॉक, बट जस्ट डू समथिंग विच बेसिकली डिस्ट्रैक्ट्स योर माइंड राइट नाउ। डिस्ट्रैक्शन का मतलब वो वाला नहीं, बेसिकली डिस्ट्रैक्ट योर माइंड ताकि अब आप पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाओ। सो आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द पीपल who are giving you negative energy from the people whom you feel कि यार उनसे बात करके आपको stress हो रहा है. Tip number 3 is yes, अब जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो गाइस, सबसे पहले तो प्लीज रीच ऑन टाइम, प्लीज रीच विद ऑल योर स्टेशनरी, विद ऑल योर एडमिट कार्ड, विद एवरीथिंग यू वांट एक्सेप्ट फॉर योर बुक्स, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम नहीं है. यस, सो पेपर में बेस्ट क्वेश्चंस फर्स्ट, बट डोंट लीव द रेस्ट. इसका मतलब सी आई हैव टोल्ड यू डोंट फॉलो द सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि जो आपको बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, दिस गोज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आते हैं आप उनको पहले करोगे. लेकिन उस चक्कर में होता क्या है, कई बार हम जल्दी जल्दी में वी फॉरगेट कि जो नहीं करे उनको कम से कम हाईलाइट तो कर लें. तो मेक श्योर यू आर हाईलाइटिंग देम एंड यू आर नॉट लीविंग देम इन दी एंड, इनको एंड में अटेम्प्ट करो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज गाइज, जस्ट डू इट. दैट मीन्स डोंट लीव आउट एनी क्वेश्चन, बिकॉज आपके 12th बोर्ड्स में अनलाइक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक आई एम टॉकिंग ऑफ JEE, NDA एंड मेनी बोर्ड, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो वंस यू हैव डन द क्वेश्चंस विच यू न्यू द बेस्ट, इनमें भी कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओ, जितना आता है उतना लिख के आओ. ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट देन फिर से वही बात कहूँगी, इन दी एंड बिगिनिंग में ये सब लेके मत बैठ जाना. वन मोर थिंग, अगर आपको लग रहा है पेपर के बीच में यार कोई क्वेश्चन गलत है, कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, डजेंट मैटर, इट्स द सेम फॉर ईच वन ऑफ यू. तो अगर कोई क्वेश्चन गलत भी है ना, उसको जस्ट डू इट, जस्ट अटेम्प्ट इट. CBSE विल टेक केयर ऑफ योर मार्क्स बाद में, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स. टाइम योर सेल्फ, मैं बार बार एम्फेसिस यही कर रही हूँ, कैरी अ वॉच. अब बच्चे मुझसे अब भी पूछ रहे हैं मैम वॉच इज़ नॉट अलाउड. इफ़ यू रीड द CBSE गाइडलाइंस, दे क्लियरली स्टेट यू कैन टेक अ सिंपल वॉच. यार नो फैंसी वर्ड्स, नो फैंसी आर्टिकल्स, सो दैट मीन्स डिजिटल नहीं, स्मार्ट वॉच नहीं, सिंपल सी वॉच लेके जाओ बेसिक से, सो दैट यू कैन टाइम योर सेल्फ सेक्शन वाइज. मैंने तो इस पर अभी वीडियो भी बनाई है इंग्लिश के सुपर इम्पॉर्टेंट टिप्स की, उसमें मैंने बताया है इफ़ यू राइटिंग एन इंग्लिश पेपर, तो उसमें सेक्शन वाइज आप कैसे अपने टाइम को स्प्लिट कर सकते हो. आई एम गोइंग टू डू द सेम विद यू फॉर एवरी अदर पेपर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम. नेक्स्ट, डोंट लुक अराउंड. यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. होता क्या है, जब आप एग्जामिनेशन सेटअप में होते हो ना, आसपास के लोग फटाफट लिख रहे हैं, पेजेस पे पेजेस. अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक्स्ट्रा शीट बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी CBSE की बुकलेट इज़ वेरी थिक, ठीक है. तो लोग लिखते जा रहे हैं एंड यू फील प्रेशराइज कि बॉस जैसे इसका तो एग्ज़ाम बहुत सॉलिड हो रहा है एंड मैं ही हूँ जैसे कुछ नहीं आता, राइट. सो डोंट लुक अराउंड, जस्ट अपने आप को सिंगल फोकस रखो, अपने पेपर पे फोकस करो. हो सकता है तुम्हारे साथ वाले को भी कुछ नहीं आ रहा हो, राइट. एंड इसके साथ ना एक और चीज़ जो मैंने शायद पहले अभी बात नहीं करी, प्लीज़ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले ना हाथ में बुक लेके मत घूमना. नो पॉइंट, आप जो लास्ट मिनट पढ़ते हो आपको कुछ याद रहने वाला नहीं है, मोस्टली ब्लैंक आउट हो जाता है. एंड स्टे अवे, जो जैसे मैंने कहा आइसोलेट योर सेल्फ, सो आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ये पढ़ा वो पढ़ा, अरे यार इस पे तो डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन, आएगा तो देख लेंगे, छोड़ दो, इस वक्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो मेक श्योर दैट डोंट लुक अराउंड, इट हैपन, इट इज़ बेसिकली बिफोर द पेपर, ड्यूरिंग द पेपर ऑल्सो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज योर गियर आफ्टर द पेपर. अब इसका क्या मतलब हुआ, अब नॉर्मली होता क्या है, यू गाइज विल अग्री, पेपर से बाहर आते हो, इसका आंसर क्या हुआ, उसका आंसर क्या हुआ, यू स्टार्ट डिस्कसिंग. दिस इज़ वेरी नेचुरल, दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, बट यही नहीं करना. अब आपका जो अगला पेपर है, चेंज योर गियर और आगे बढ़ो. अब उसके बारे में सोचो कि उसको क्या करना है, जो बीत गया वो बात गई, उसको छोड़ दो. आपके सोचने से कोई जिनी मैजिक वॉन्ड घुमाता हुआ नहीं आ जाएगा कि यू नो अब आपका कोई गलत हुआ क्वेश्चन सही हो जाएगा. लीव इट, किल इट, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, मूव ऑन. और इस वक्त यही कहना चाहूँगी कि रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही ओ कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह. एंड इसी के साथ इस नीचे वीडियो पे लिखने वाले हो हैशटैग कर हर मैदान फतेह। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। इसी के साथ अगर वेदांतु मैथ के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो कर लो। यू विल फाइंड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल्सो गाइज, make sure that you're hitting the like button, sharing it with people around you। और वेदांतु मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो make sure you do that। मैथ का पेपर आने वाला है एंड अगर आप चाहते हो मैं बहुत अमेजिंग वीडियोस के साथ आऊँ तो ये तो करना बनता है बॉस। अब टेंशन हुई थोड़ी दूर। All the very best to each one of you from my side। I'll see you guys super soon। Till then, thank you so much and bye bye।